पौड़ी शहर में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विधानसभा भर्ती घोटाले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में चल रहे इस प्रदर्शन में काफी संख्या में आए युवाओं ने भर्ती घोटालों पर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही प्रदेश सरकार पर कई तंज कसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए भर्ती घोटाले के रूप में बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा हुआ है। उन्होंने जल्द इसके पीछे के नकाबपोशों को पकड़ने की प्रदेश सरकार से मांग की है ताकि जनता के सामने भर्ती घोटालों का सारा सच आ सके। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा यूके SSSC में घोटाला हुआ है नियुक्तियों में, उसी प्रकार सहकारिता उच्च शिक्षा और उपन इंस्टीट्यूट में जो घोटाले हुए हैं नियुक्तियों में, हम उसकी भी जांच की मांग करते हैं दामी सरकार से। और जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक हम इसी तरह सड़कों में आंदोलन करते रहेंगे। यूके SSSC और विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर अन्य विभागों में भी कई भर्तियां हुई हैं, तो आप लोग एक तरफ से परीक्षाओं का आयोजन कर देते हैं और दूसरी तरफ से पेपर लीक कर देते हैं। ये किस तरह की जीरो टॉलरेंस सरकार है? मैं धामी सरकार से इतना कहना चाहता हूँ कि पहाड़ का युवा हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। सरकार आप चेत जाइए, पौड़ी आंदोलन नगरी रही है।